पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। योर ऑनर, अब इस मुकाम पर केस का दूसरा पहलू अहम हो जाता है। आग कैसे लगी और किसने लगाई, और इसी बात पर रोशनी डालने के लिए मैं एक अहम गवाह को कोर्ट में पेश करना चाहती हूं। परमिशन ग्रांटेड। I would like to call Miss Riddhi to the witness box. I object, Your Honor. Witness की list पहले से देने का protocol है court में, क्योंकि हम cross examination के लिए तैयार नहीं है। Your Honor, मैंने उनका नाम register करवाया था, सिर्फ announce नहीं किया था, and that is only for the reason ताकि मेरे witness की safety और statement compromise ना हो। Protocol is protocol, Devi ji. The court is adjourned for 30 minutes, ताकि सोमनाथ जी अपना argument prepare कर सके। Thank you, Your Honor. Thank you. मंगल, एक लड़की की फोटो भेज रहा हूँ, रिद्धि नाम है। किसी भी हाल में यहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए, कुछ भी करके कोर्ट के बाहर ही रोक उसे। संतोष कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा। अरे अंदर ही होगा वो। ये अंदर नहीं है। रिद्धि का क्या हुआ? मम्मी, रिद्धि अभी तक नहीं पहुंची। आधे घंटे में कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाएगी चिराग। वो हमारी सबसे अहम गवाह है, वो आएगी ना? अरे चिंता मत कर, डीसीपी और इंस्पेक्टर वालों से बात करता हूँ, और संतोष को भी ढूंढता हूँ। लगाओ। सॉरी सॉरी, दो मिनट बस, पहुंच गई। क्या बोली? बोल रही है पहुंच गई है, बस दो मिनट में आ रही है। आवाज निकाली ना, तेरी बॉडी नहीं मिलेगी, याद रखना। कहाँ रह गई रिद्धि? बोली तो थी कि दो मिनट में आ रही। अरे दो मिनट के दस मिनट हो गए चिराग। क्या हो माँ? रिद्धि ने बोला था दो मिनट में पहुंचे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। अरे वो संतोष नहीं है अंदर? मैंने तुझे बोला तो था बापोदरा। तो गया किधर? और रिद्धि का क्या हुआ? दो मिनट में पहुंचने वाली थी, नहीं पहुंची। कुछ देर में कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाएगी। मम्मी चिंता मत कर, कम ढूंढ लेंगे। तू और दीप्ति अंदर जाओ, काका हमारे साथ हैं। आपने इस लड़की को देखा है? आपने इस लड़की को कहीं देखा है? क्या आपने इस लड़की को देखा है? आपने? भाई आपने इस लड़की को देखा है क्या कहीं पर? एक्सक्यूज मी पुष्पा जी, रिद्धि कहाँ है? आई नहीं, पूछ गई थी, चिराग से बात भी हुई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गई। चिराग असन और बापुत्र गए उसको ढूंढने के लिए, वो आ जाएगी। अगर रिद्धि नहीं आई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी पुष्पा जी। वो जैसे ही आई मुझे इन्फॉर्म कीजिए। जी हाँ सर। क्या हुआ, मिली लड़की? मेरे पास ही है, आप टेंशन मत लेना, यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। बस बस पकड़ के रखनी, किसी भी हाल में गवाही देने नहीं आनी चाहिए, वरना हम सबकी बात लग जाएगी। रख दो मैं। Please sit down. Devi ji, please proceed. Your Honor, मेरी witness बस पहुंच ही रही है. Please grant me 5 more minutes. Devi ji, सिर्फ 5 मिनट, इससे ज्यादा समय मैं आपको नहीं दे पाऊंगा. Please call your witness और proceed further. जी. सोनी तो यही चाहिए थी, ढूंढना पड़ेगा उसे, हियरिंग शुरू होने वाली है। तू फोन करो उसे। पीछाड़ो पीछाड़ो, नहीं तो काट दूंगा गला इसका। रुको रुको, ठीक है
ताकत खर्च हो रही। हाँ जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? इसने मुझे पकड़ के रखा था, फोन पे किसी से इंस्ट्रक्शन दे रहा था, मुझे गवाही देने से रोक रहा था। आप लोग अंदर जाइए, इसे मैं संभालती हूँ। ये इसके पास से मिला है। देवी जी, इनफ इज इनफ। क्या तो आप आगे प्रोसीड करिए या फिर अगली डेट ले लीजिए। योर ऑनर। देवी जी। योर ऑनर, माय विटनेस रिद्धि इज हियर। रिद्धि, प्लीज गो टू द विटनेस बॉक्स। आर यू ओके? आप ठीक नहीं लग रही। सर मैं एक्चुअली यहीं आ रही थी तो अचानक किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। इसी वजह से मैंने इनका नाम अनाउंस नहीं किया था योर ऑनर। रिद्धि का स्टेटमेंट इस केस के लिए बहुत अहम हो सकता है। आर यू ओके? यस मैम। स्टेटमेंट दे सकती हो? जी मैम। तुम द न्यूज़ स्पॉट में एज ए रिपोर्टर काम करती हो, राइट? जी मैम। रिद्धि, 19-20 साल पहले एक स्कैम हुआ था, हैदराबाद सीमेंट स्कैम। तुमने रिसेंटली उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल के लिए तुमने काफी सारे रिसर्च पेपर्स और रेफरेंसेस इकट्ठा किए, काफी छानबीन भी की थी। जी मैम। रिद्धि, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है क्या तुम ऑनरेबल कोर्ट के साथ शेयर कर सकती हो प्लीज? मुझे एक पुराने केस और हैदराबाद घोटाले में काफी सिमिलैरिटी लगी। मैंने छानबीन की तो संतोष जी और दिलीप जी का नाम सामने आया और दोनों जेल में साथ थे उस समय। उसे सिलसिले में मेरा मिलना संतोष जी से हुआ। रिद्धि, संतोष जी ने उस इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा था जो तुम इस कोर्ट को बताना चाहोगी? संतोष जी जेल से निकलने के बाद से लेकर आज तक उस आदमी को ढूंढ रहे जिसने हैदराबाद जेल में आग लगाई थी। उनका कहना है कि उस आदमी के कारण संतोष जी ने अपना परिवार, अपनी नौकरी, सब कुछ खोया। संतोष जी उस आदमी से बदला लेना चाहते थे। ये उसी आग की बात कर रही हो ना तुम, जिसमें दिलीप पटेल ने अपनी डेथ को फेक किया था और कानून की आंखों में धूल झोंककर भाग गया था? जी, यही कहा था संतोष जी ने। मेरे पास उस पूरे इंटरव्यू की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आप सुन सकते हैं। आपको क्या लगता है जेल में जो आग लगी थी वो किसी ने जानबूझकर लगाई थी? आग लगाने में किसका हाथ था? अगर ये मुझे पता होता तो मैं उसे कब का मार चुका होता। योर ऑनर, मैं मिस्टर संतोष करंजीकर से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। एक विटनेस ऐसे कैसे गायब हो सकता है कोर्ट रूम से? ढूंढो उसे। जाओ जाके ढूंढो और लेकर आओ उसे जल्दी। मैम, एक सेकंड। रिद्धि को जिस आदमी ने पकड़ रखा था वो आदमी पुलिस के कब्जे में। योर ऑनर, मिस्टर संतोष करंजकर इज मिसिंग फॉर नाउ, लेकिन रिद्धि, मेरी विटनेस को जिस आदमी ने बाहर पकड़ के रखा था वो पकड़ा गया है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।